नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मनीराज पटेल और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। दोस्तों, आज मैं आपको एक वेइंग मशीन के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे पास है। तो चलिए देखते हैं कैसी है वो मशीन, कैसी दिखती है, क्या है उसमें फीचर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक वेइंग मशीन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है और मैंने इसे लगभग 1 साल पहले परचेस किया था अमेज़न से, और 1 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस वजह से मैं प्रोडक्ट आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस बॉक्स में आया था। तो ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आया था। इसमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे टेम्पर्ड ग्लास है, मतलब ये जो ग्लास इसकी बॉडी है वो टेम्पर्ड ग्लास की बनी हुई है, मतलब इस काफ़ी स्ट्रांग है। टफनेस ग्लास बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप स्क्रैच वगैरह की बात करें तो इतनी आसानी से इसमें स्क्रैच नहीं लगने वाला है। स्क्रैप ऑन सेंसिंग, मतलब जैसे ही आप इसमें पैर रखेंगे वैसे ही सेंस कर लेगा, इसके लिए कोई अलग से बटन नहीं है ऑन ऑफ करने की। और उसके बाद है एक्यूरेट सेंसर्स। इसमें दोस्तों चारों तरफ इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और वो जो है काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। और इस बॉक्स में ऐसा कुछ खास नहीं था, बस यही इसका बॉक्स था। ये जो कंपनी है दोस्तों, ये है IVY डिजिटल वेइंग स्केल। और वैसे तो ये दोस्तों ग्लास का बना हुआ है, टफ एंड टेम्पर्ड ग्लास है, ग्लास का बना हुआ, तो आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से केयरफुली आपको इसको यूज़ करना है। ऐसा आप नहीं कर सकते जैसा बाकी स्टेनलेस स्टील या फिर किसी प्लास्टिक का जो वेइंग मशीन होता है उसके साथ करना है। लेकिन ये है कि स्टाइलिश है, आपको आप कहीं भी इसको रखते हैं तो आपको एक अच्छा फील आएगा रखने में भी। तो चलिए देखते हैं इसका ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों ये है वो वेइंग मशीन एक्टिव एक्स। देखिए कितनी स्टाइलिश है दोस्तों, देखिए आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छी ये वेइंग मशीन लगी। मैं 1 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। ग्लास भी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि मैंने आपको बताया टेम्पर्ड ग्लास है, और इसमें स्क्रैच का भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप में इसमें स्क्रीन दी हुई है, यहीं पे आपकी रीडिंग शो होगी। इसके बैक साइड में अगर हम देखें तो बैक साइड में यहाँ पर जो है बैटरी लगाने का है, ये देखिए इसमें कुछ इस तरीके की बैटरी लगती है और काफ़ी लंबी इसकी जो बैटरी चल जाती है इसकी। इसके बाद यहाँ पे इसकी बैजिंग है, एक्टिव एक्स की बैजिंग है यहाँ पे। और ये देखिए चार जो आपको दिख रहे हैं, ये चार आपको जो दिख रहे हैं यही इसके सेंसर्स हैं, यही जो है सेंस करके बताते हैं कि आपका मास आपका वेट कितना है। तो चलिए इसका एक डेमो करके देखते हैं कि ये रीडिंग किस तरीके की लेती है। अगर मान लीजिए मैं ये रखता हूँ तो क्या रीडिंग लेगा? नहीं लेगा, ये इतना हल्का भी नहीं है। अगर ऐसे प्रेस करता हूँ, देखिए ऐसे प्रेस कर रहा हूँ तो क्या रीडिंग लेगा? नहीं लेगा। तो मतलब इसमें एक अच्छा खासा एक वेट तो आना ही चाहिए तो ही रीडिंग लेगा ये। अब ऐसा करके देखें, ये देखिए अब इसने रीडिंग ली, मैं थोड़ा सा प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए अब इसने रीडिंग ली। 20 kg का मैंने इसमें जो है मास बोले या वेट बोले इसको मैंने अप्लाई कर रखा 20 kg का, ये देखिए। अब चलिए देखते हैं कि रेटिंग इसमें कितनी क्या आती है। वैसे तो मेरा बेटा भी बड़ा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा रेटिंग ही आएगी। चलिए देखते हैं कि किस तरीके की रेटिंग लेता है। ये देखिए अगर आप इसको बीच में पैर रखेंगे तो कुछ इस तरीके की रीडिंग आएगी, अगर आप साइड में रखेंगे तो कुछ इस तरीके की रीडिंग आएगी। तो बेसिकली आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना है वेट का। और ये देखिए इसमें रीडिंग जो है कुछ देर के लिए रुक जाती है। तो आई होप ये मशीन आपको पसंद आई हो। अगर आपको लगता है कि आपके घर में इसकी रिक्वायरमेंट है या फिर एक ऐसी मशीन होनी चाहिए घर में,
खासकर वो लोग जो अपना रेगुलरली वेट मेजर करना चाहते हों तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।